दिस इज मेहनाज, वेलकम टू माई चैनल मेहनाज किचन। ये मेरी पहली रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें कोई ऐसी रेसिपी मिल जाए जो बनाने में बहुत ही ईजी हो और खाने में बहुत ही टेस्टी हो। तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ पालक पनीर की ऐसी ही ईजी और टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। इसके लिए हमने 1 केजी पालक लिया है। इसको हमने ऐसे पत्ते इसके अलग करके इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। 350 ग्राम्स फ्रेश मलाई पनीर लिया है। इसको हमने स्क्वायर शेप में काट लिया है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग भी इसको, जैसे भी आपको पसंद हो, ट्राइंगल या रेक्टेंगुलर, जैसे भी शेप आपको चाहिए आप इसको काट सकती हैं। 2 टमाटोज, 3 ग्रीन चिल्लीज हैं, 1/2 इंच अदरक और 4 to 5 ये लहसुन की कलियाँ लिए। इसका हम पेस्ट बनाएंगे। 1 छोटा अनियन लिया है, इसको हमने चॉप कर लिया है। 1/2 टीस्पून जीरा है, 1/4 से भी थोड़ा कम हींग और 2 टीस्पून कसूरी मेथी है, 1 टेबल स्पून बेसन है, 1/4 हल्दी पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर है, ये मैंने यहाँ पर लिया है एवरेस्ट का कुटी लाल मिर्च पाउडर और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। गार्निशिंग के लिए कोरिएंडर लीव्स लिए हैं और 1 छोटा पीस हमने पनीर का लिया जिसको हमने ग्रेट कर लिया है, ये भी गार्निशिंग के टाइम हम इसको यूज करेंगे। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमें ये करना है कि हम पालक को बॉइल कर लेते हैं। चलिए पालक बॉइल करते हैं। बॉइल करके इसका पेस्ट बना लिया है। 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है और ये मस्टर्ड ऑयल को गर्म होने में 3 से 4 मिनट लगते हैं। देखिए हमारा मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है और इसका कलर येलो से चेंज होकर एकदम थोड़ा व्हाइट सा होने लगा है। अब ये देखिए, सबसे पहले ये जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद ये थोड़ी सी हींग, इसमें हम डालेंगे ये अनियन, सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमें फ्लेम लो रखना है अभी क्योंकि हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये कसूरी मेथी डाल देंगे। देखिए कसूरी मेथी डाल दी। देखिए पालक पनीर में कसूरी मेथी का एक अपना अलग फ्लेवर आता है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है पालक पनीर में। ये देखिए थोड़ा सा हमारा ये प्याज फ्राई होने लगी है, देखिए जरा, ये देखिए। अब हम इसमें ये बेसन डालेंगे। बेसन डालने के बाद इसको अच्छे से चला देंगे बेसन। अब इसमें हमने बेसन डाल दिया है, देखिए बेसन को हमने चला लिया है। अब इसमें हमने जो पेस्ट बनाया था, ये टमाटोज, ग्रीन चिल्ली, जिंजर, गार्लिक पेस्ट, अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे। फ्लेम हम लो ही रखेंगे, इसको अच्छे से चलाएंगे। देखिए हमारा मसाला थोड़ा थोड़ा भुनने लगा है, ये हल्का सा ऑयल साइड से आने लगा है, इसका मतलब कि थोड़ा थोड़ा भुनना स्टार्ट हो गया है मसाला। अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। देखिए सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर ये हल्दी पाउडर, ये एवरेस्ट का कुटी लाल मिर्च पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और हमने ये लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे, 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे इसको अच्छे से। इसमें अब हम थोड़ा हमारा मसाला भुनने लगा है, अब इसमें हम सॉल्ट डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए
देखिए हमारे मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें ये पालक ऐड करेंगे। देखिए ये हमने पालक ऐड कर लिया है इसमें। इसको मसाले के साथ मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमें लो रखना है अभी जब तक मिक्स कर रहे हैं। अब पालक के साथ इसको हम अच्छे से थोड़ा फ्राई कर भूनेंगे इसको मसाले को। हम 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको। जब तक हमारा पालक मसालों के साथ थोड़ा इसको हम पका रहे हैं तब तक साइड में हम पनीर भी फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में 1 टेबल स्पून हम ऑयल लेंगे जिसमें कि हमें पनीर फ्राई करना है। इसमें हमारी पनीर ये लाइट गोल्डन कलर की हो गए हैं। अब हमारे पनीर फ्राई हो चुके हैं। देखिए बस हमें इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन जो हो चुके हैं। हमारा ये पालक जो है अच्छे से भुन चुका है। देखिए इसमें ऑयल भी साइड से निकल आया है, इसका मतलब ये इसकी अच्छे से भुनाई हो गई है। अब हम इसमें ये पनीर जो हमने फ्राई करे हैं ये मिक्स कर देंगे। फ्लेम हम लो ही रखेंगे। ये देखिए हमारा पालक पनीर लगभग तैयार है। 2 मिनट के लिए इसमें इसको रखेंगे पनीर के साथ फ्लेम के ऊपर। आइए देखते हैं हमारा पालक पनीर तैयार है। अब हम इसको डिश में अब हमारा पालक पनीर तैयार है। इसको हमने ग्रीन कोरिएंडर लीव से और ग्रेटेड पनीर से गार्निशिंग कर दिया है। अब आप इसको लच्छे पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और आप भी मेरी पालक पनीर की रेसिपी ट्राई करके ज़रूर देखें और मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आगे मैं आपको ऐसी इजी और टेस्टी रेसिपीज़ बताती रहूं। थैंक यू।